नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो है ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था और इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज को समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एरियर और क्वेश्चन एडवांस। ये दो मांग होती है जिसको बोलते हैं हम बकाया मांग और दूसरी होती है हमारी अग्रिम मांग। बकाया मांग का मतलब क्या होता है? जब कंपनी के द्वारा पैसा मांगा जाता है लेकिन शेयर होल्डर्स उसका पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते तो उसे कहा जाता है बकाया मांग। और दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन एडवांस यानी कि अग्रिम मांग। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स जो कॉल मनी होता है वो पैसा कंपनी मांगे उससे पहले ही कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के बात करें कि मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर्स को इशू किया, उन पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल चारों कॉल हैं। अब अलॉटमेंट के टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कुछ एप्लीकेंट्स जो हैं वो अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर देते हैं तो उस कंडीशन में कहा जाएगा बकाया मांग। लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो अलॉटमेंट के साथ साथ ही कंपनी को फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट भी कर देते हैं। तो यहां पर कंपनी ने अभी तक केवल अलॉटमेंट को ही मांगा है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगी नहीं, फिर भी शेयर होल्डर्स ने उनका पैसा पे कर दिया तो यहां बोला जाएगा क्वेश्चन एडवांस यानी कि अग्रिम मांग। अब इनको लेकर के हमको कुछ बातें समझनी है। पहली बात तो ये कि इनकी अकाउंटिंग एंट्री क्या क्या होती है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन एरियर का मतलब होता है बकाया मांग यानी कि ऐसा पैसा जो बकाया है तो कंपनी को उस पैसे को मांगने का अधिकार होता है और अधिकार का मतलब होता है असेट और बेटा असेट का बैलेंस होता है डीआर। जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो असेट को हमको लिखना है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां हम अकाउंट एंट्री बनाएंगे क्वेश्चन इन एरियर अकाउंट डीआर और सीरियर अकाउंट का डीआर। और जिस भी कॉल का पैसा बकाया है, अगर अलॉटमेंट का पैसा बकाया है तो हम ये लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अगर ये फर्स्ट पैसा बकाया है तो। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा बकाया है तो हम ये लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकेंड कॉल का पैसा बकाया है तो हम ये लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आगे बात समझ में, क्वेश्चन एरियर की अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमको एंट्री बनानी है क्वेश्चन एरियर अकाउंट डीआर और टू जिस कॉल का पैसा बकाया है उस कॉल को कर देंगे हम सीआर, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन एडवांस की एंट्री की बात करें तो क्वेश्चन एडवांस का मतलब होता है पैसा हमको एडवांस में मिल गया यानी कंपनी ने अभी तक पैसा मांगा ही नहीं फिर भी शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया तो यहां पर जो पैसा कंपनी को मिला है वो पैसा कंपनी के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी? क्योंकि कंपनी ने उस पैसे को मांगा ही नहीं तो अभी तक तो कंपनी को उस पैसे को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें एडवांस में पेमेंट कर दिया तो यदि वे हमसे उस पैसे को वापस लेना चाहे तो कंपनी को यह पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। इसीलिए ये कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी है। जिस तरीके से अनएक्रूड इनकम होती है, अनएक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक क्रिएट नहीं हुई बट प्राप्त हो गई तो वो कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। उसी तरीके से क्वेश्चन एडवांस भी कंपनी के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। और जब हम लायबिलिटी की अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो लायबिलिटी को क्या करते हैं, हम सीआर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सीआर करते हैं। तो यहाँ लायबिलिटी का नाम क्या है, क्वेश्चन एडवांस। तो यहां हम सीआर कर देंगे टू क्वेश्चन एडवांस, ठीक है, टू क्वेश्चन एडवांस अकाउंट। और ये पैसा आपको मिला है, यहां कुछ बकाया नहीं रहा बल्कि ये पैसा आपको मिल गया। पैसा मिल गया तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और बैंक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डीआर कर देते हैं। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू क्वेश्चन एडवांस अकाउंट। आगे बात समझ में,
अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ये कॉलसिन एरियर होता है, इस कॉलसिन एरियर की एंट्री हमें हमेशा करना कंपलसरी नहीं है। यदि हम चाहे क्वेश्चन अगर इसके बारे में साइलेंट रहता है कि आपको कॉलसिन एरियर की एंट्री करनी है या नहीं करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो ये अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं और चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट जब क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि आपको कॉलसिन एरियर का अकाउंट भी ओपन करना है, कॉलसिन एरियर की एंट्री भी करनी है, तो आपको एंट्री जरूर करनी होगी। लेकिन जो कॉलसिन एडवांस है या अग्रिम मांग है, इसकी एंट्री आपको एनी कंडीशन करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन चाहे कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है जो आपको प्राप्त हो चुकी है। तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ चुका है और आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो चुकी है, और कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको अगर कोई भी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो हमको उसको लिखना जरूरी होता है। इसलिए ये एंट्री आपको करनी ही करनी है। यहाँ हमने केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री की है, अगर क्वेश्चन मना कर दे तो एंट्री करना जरूरी नहीं है, और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो एंट्री करें चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसको इग्नोर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इस बात को और प्रैक्टिकली समझा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप देखिए होता क्या है, ये दोनों हमारी जो कॉल्स है, यहाँ पर पैसा आपका बकाया रह गया और यहाँ पैसा आपको एडवांस मिल गया, तो एक मुद्दा यहाँ पर क्रिएट होता है और वो है इंटरेस्ट का। किसका मुद्दा? इंटरेस्ट का मुद्दा, कि इंटरेस्ट को लेकर क्या एंट्री करेंगे। तो पहले तो हमको इनकी इंटरेस्ट की रेट याद रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में वो हमको इंटरेस्ट की रेट नहीं देता है, तो इंटरेस्ट की रेट हमको याद रखनी है। दो रेट हमारे सामने होती है, कंपनी एक्ट 2013 में टेबल एफ के अकॉर्डिंग दो इंटरेस्ट रेट बताई गई है, एक तो है 10% पर एनम और दूसरी होती है आपकी 12% पर एनम। ध्यान रखना 10% वार्षिक और 12% वार्षिक, ये दोनों रेटों का हमको ध्यान रखना है। अब कभी कभी बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 10% इसके ऊपर है या इसके ऊपर, 12% इसके ऊपर है या इसके ऊपर, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप याद रखो, देखो एक रेट हमारी 10% है और दूसरी है 12%, जिनमें एक है कम और दूसरी है ज्यादा, ठीक है। अब सिंपल भी में याद रखिए, ज्यादा मतलब एडवांस है, इंटरेस्ट रेट क्या है? एडवांस। तो जो इंटरेस्ट रेट आपकी एडवांस है, वो इंटरेस्ट रेट कॉलसिन एडवांस पर एप्लीकेबल होती है, यानी कॉलसिन एडवांस पर जो इंटरेस्ट रेट है आपकी वो कितनी है? 12% पर एनम। दूसरी बात, कॉलसिन एरियर पर कितना है? 10%, क्योंकि 10% क्या है? कम। कम का मतलब जब बकाया रह जाता है तो कंपनी को पैसा क्या मिलता है? कम मिलता है, तो कम का मतलब 10%। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट कितनी है आपकी? 10% पर एनम, ठीक है। आप इसको इस वे में भी याद रख सकते हो कि कंपनी देती ज्यादा है और लेती कम है, यानी कि जो शेयर होल्डर है उनको कंपनी इंटरेस्ट देगी तो ज्यादा और लेगी कम। अब इस बात को समझने के लिए आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कंपनी कहां तो इंटरेस्ट देती है और कहां पर इंटरेस्ट लेती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझना है हमको। देखिए कॉलसिन एरियर, एरियर का मतलब बकाया रह गया। क्या बकाया रह गया? कंपनी की कॉल मनी बकाया रह गई। किसके ऊपर बकाया रह गई? शेयर होल्डर के ऊपर बकाया रह गई। इसका मतलब वो पैसा प्राप्त करने का अधिकार है किसको? कंपनी को, यानी कि वो पैसा एक तरीके से किसका हुआ? कंपनी का, जो किसके पास में है? शेयर होल्डर के पास में है, क्योंकि शेयर होल्डर ने उसको पे नहीं किया, तो उस पैसे को यूज कौन कर रहा है? उस पैसे को यूज कर रहा है शेयर होल्डर, और जो पैसे को यूज करता है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, और जिसका पैसा होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पैसे को यूज कौन कर रहा है? शेयर होल्डर यूज कर रहा है। शेयर होल्डर जब पैसे को यूज कर रहा है तो शेयर होल्डर उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देगा। किसको देगा? कंपनी को देगा। तो हम अगर कंपनी के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी को यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। कहां पर? कॉलसिन एरियर पर। तो कॉलसिन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट प्राप्त करती है,
तो कंपनी किस रेट से इंटरेस्ट प्राप्त करती है? 10% पर एनम से इंटरेस्ट प्राप्त करती है। और कॉल्सिन एरियर पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट को प्राप्त करने की कंपनी की बुक्स में जो एंट्री बनती है, तो वो एंट्री क्या बनेगी बेटा? तो इंटरेस्ट जब प्राप्त होगा तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और इंटरेस्ट मिला है आपको। ये एंट्री हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इंटरेस्ट प्राप्त करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। तो हम ये लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर, ठीक है, कॉल्सिन एरियर अकाउंट, ये हमारी इसकी बात होती है। इधर हम बात करें तो कॉल्सिन एडवांस का मतलब कंपनी को पैसा एडवांस में मिल गया। किसका पैसा है? वो शेयर होल्डर का। किसके पास है? कंपनी के पास। तो उसको यूज कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो कंपनी इंटरेस्ट देगी या लेगी? कंपनी इंटरेस्ट देगी। किसको देगी? शेयर होल्डर को देगी। किस रेट से देगी? 12% पर एनम की रेट से देगी, ठीक है। तो यहां पर जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट को पे करने की नॉर्मली हमने एंट्री पढ़ी है 11th क्लास में, वो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक। क्योंकि इंटरेस्ट क्या है? खर्चा, और खर्चे का बैलेंस क्या होता है? डीआर। तो यहां पर खर्चे को बढ़ाने के लिए हम करेंगे डीआर, तो आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एडवांस अकाउंट डीआर। और कंपनी पे करेगी तो कंपनी का बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैंक के बैलेंस को कम करने के लिए या पेमेंट करने के लिए हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं? सीआर करते हैं। तो यहां लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट। आगे बात समझ में, ये दोनों को लेकर के इंटरेस्ट की हमारी एंट्री बन जाती है। तो कंपनी इंटरेस्ट लेती तो कम है और देती ज्यादा है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का फायदा ज्यादा सोचती है, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम याद रख सकते हैं, एरियर मतलब कम, कम मतलब 10%, एडवांस मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब 12%। अब आपको ये रेट बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। एग्जाम में 99% क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखनी ही होगी, जो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हमारा निकल करके आता है, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये कॉल्सिन एरियर है, तो ये कॉल्सिन एरियर जैसे हम बात करें कि अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो एरियर का पैसा अलॉटमेंट वाला आपको फर्स्ट कॉल के साथ में पे कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर अलॉटमेंट पर बकाया पैसा, वो फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है, सेकंड कॉल पर भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट का एग्जांपल लेकर के, अलॉटमेंट का बकाया पैसा शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल के साथ में पे करता है या सेकंड कॉल के साथ में पे करता है, तब क्या एंट्री बनेगी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये वाली एंट्री बना रखी है, अगर आपने ये वाली एंट्री बनाई हुई है, तब तो हमारी क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और नहीं बना रखी तब क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सिंपल से लॉजिक से हम समझेंगे इसको। मान लीजिए कि आपने ये एंट्री बना रखी है, और उस कंडीशन में आपको जो एरियर का पैसा है वो फर्स्ट कॉल के साथ या सेकंड कॉल के साथ जब भी कभी आपको प्राप्त होता है, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि पैसा प्राप्त होगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर, किसका पैसा मिला आपको? ये एरियर का पैसा मिला। एरियर का अकाउंट आप ओपन कर चुके हो, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीआर करना पड़ेगा, क्योंकि इस एंट्री में क्या हो रहा है? ये डीआर हो रहा है। तो हम ये लिख देंगे टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। समझ में आई बात? अगर आपने ये वाली एंट्री कर रखी है तो, और दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये एंट्री करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। यदि क्वेश्चन नहीं कहता तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो ये एंट्री करें चाहे तो ना करें। अगर आपने ये एंट्री की है और बाद में पैसा मिलता है तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने ये वाली एंट्री नहीं कर रखी, उस केस में ये एंट्री नहीं की आपने, और उस केस में अगर एरियर का पैसा आपको फ्यूचर में प्राप्त होता है, तो जब भी आपको पैसा प्राप्त होगा आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर। और जिस कॉल का पैसा आपका एरियर था, अगर अलॉटमेंट का बकाया है तो यानी हो गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल का बकाया है तो लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
अगर सेकंड कॉल का बताया है तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। जब एरियर रहा था, चाहे वो अलॉटमेंट करो फर्स्ट कॉल करो, जब एरियर रहा था और आपने एरियर को लेकर अगर ये एंट्री बनाई है कॉल एरियर अकाउंट डीआर टू जिस कॉल पर पैसा रहा वो कॉल, तब उस केस में अगर पैसा फ्यूचर में प्राप्त होता है तो आपको एंट्री ये वाली बनानी होगी। और अगर आप ये एंट्री इग्नोर कर चुके हो और फ्यूचर में पैसा प्राप्त होता है तो फिर आपको ये एंट्री नहीं बनानी, बल्कि हमारी एंट्री ये बनेगी बैंक अकाउंट डीआर और टू अलॉटमेंट का बाकी है तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का बाकी है तो टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का है तो सेकंड कॉल। आगे बात समझ में? अब हम इधर बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस को लेकर कि कॉल्स इन एडवांस के एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। तो देखिए, जब हमारा एडवांस हमको प्राप्त हुआ था तब तो हमने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, लेकिन जब फ्यूचर में इसको हम एडजस्ट करेंगे तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी वो समझिए। ठीक है बेटा, देखिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से कॉल्स इन एडवांस जो होती है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो पहली बात तो ये कि कॉल्स इन एडजस्टमेंट एडवांस की एडजस्टमेंट एंट्री कब करनी होती है हमको। तो एडवांस का मतलब आपको पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं फिर भी मिल गया, लेकिन जब वो कॉल कंपनी ड्यू करती है तो उस टाइम पर हमको ये एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। आज जब अलॉटमेंट के साथ पैसा दिया तब तो हमने फर्स्ट कॉल वाला जो एडवांस पैसा मिला उसकी एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। लेकिन फ्यूचर में जब कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी तो उस समय पर इन शेयर्स पर जिन पर ये एडवांस पैसा मिल गया था वहां फर्स्ट कॉल का पैसा दोबारा नहीं मिलना होता है, क्योंकि वो पैसा अलॉटमेंट के साथ ही हमको एडवांस में मिल गया था। तो अब क्या होगा, अब कंपनी उस एडवांस पैसे को एडजस्ट करेगी। कहां पर एडजस्ट करेगी? फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेगी। तो उसके लिए क्या एंट्री बनानी पड़ेगी हमको, तो समझिए। देखिए, कॉल्स इन एडवांस जो अकाउंट हमारा ओपन किया था हमने, इसको लायबिलिटी मानते हुए हमने सीआर किया था, लेकिन अब उसका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और जब हम इस पैसे का एडजस्टमेंट करेंगे तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। इस लायबिलिटी का बैलेंस क्या है, सीआर है, और खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको डीआर करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर। ठीक है, और फिर हम किस कॉल पर उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए उसको फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर रहे हैं तो एवरीथिंग हम टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर हम उस पैसे को फर्स्ट कॉल के अलावा सेकंड कॉल पर यूज कर रहे हैं, सेकंड कॉल पर एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आगे बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जिस भी कॉल पर हम इस एडवांस पैसे को एडजस्ट कर रहे हैं उस कॉल को कर देंगे सीआर और कॉल से एडवांस कर देंगे डीआर। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो समझ में आ गई आपकी सारी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दा इसको लेकर के हमको समझना है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग एंट्रीज तो हमने समझ ली, इंटरेस्ट की रेट के बारे में भी हमने समझ लिया। ठीक है, इंटरेस्ट की रेट कॉल्स इन एरियर पर कितनी होती है, 10%, कॉल्स इन एडवांस पर 12%। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, और पे करती है तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए अब एक मुद्दा और आता है जिसको लेकर बच्चों के माइंड में कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं, तो हमको बिल्कुल सिंपल ही समझना है। वो मुद्दा क्या है, बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चाहे वो एरियर पर हो चाहे वो एडवांस पर हो कब से लेकर कब तक करनी होती है, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो वार्षिक है, 10% वार्षिक और 12% वार्षिक। और जब इंटरेस्ट के रेट के साथ में आपको टाइम बढ़ दिया जाता है तो
तो हमको टाइम पीरियड का ध्यान रखना होता है कि एरियर कितने दिनों के लिए रहा या एडवांस कितने दिनों के लिए रहा, और जितने दिनों के लिए ये एरियर या एडवांस है उतने दिनों के हिसाब से ही हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसको लेकर बच्चे कई बार परेशान रहते हैं कि सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि इंटरेस्ट कब से लेकर कब तक का हम कैलकुलेट करें। तो देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखना है और समझना है। देखो हमारे पास में नॉर्मली दो डेट होती है, कितनी डेट होती है, दो डेट होती है, एक तो होती है ड्यू की डेट और एक होती है हमारी रिसीव करने की डेट। ठीक है, तो होती है ड्यू की डेट और एक होती है रिसीव करने की डेट। ड्यू का मतलब होता है कि जिस दिन पैसा ड्यू हुआ, ठीक है, तो वो एक डेट होती है, और दूसरी डेट होती है कि उस पैसे को प्राप्त करने का टाइम लास्ट कितना है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कंपनी ने मान लीजिए आज की डेट में पैसा ड्यू किया और शेयर होल्डर आज के आज ही पेमेंट कर दे, नहीं ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर आज पैसा ड्यू कर रही है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए कुछ टाइम देगी, तो रिसीव करने की लास्ट डेट इन फ्यूचर होती है। ठीक है, तो वहां पर हमको समझना है। तो देखिए पहले हम एरियर की बात करते हैं कि एरियर का मतलब क्या है, सॉरी एरियर के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से, किस टाइम पीरियड की जाएगी। तो हम इसके एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि मान लीजिए मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं एरियर को लेकर के। जैसे हम बात करें पहले तो कि अलॉटमेंट की, और एक है हमारा फर्स्ट कॉल, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के लिए। मान लो अलॉटमेंट की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट है हमारी 1 अप्रैल 2019, ठीक है, और अलॉटमेंट को जो रिसीव करने की लास्ट डेट है, तो रिसीव करने की लास्ट डेट कंपनी ने जो दी है वो मान लेते हैं कि 20 अप्रैल 2019 है। यानी कंपनी ने 1 अप्रैल को पैसा ड्यू किया और शेयर होल्डर को कहा कि आप इसका पेमेंट 20 अप्रैल तक कर दीजिए। ठीक है, दूसरा हमारा अगर फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हो तो फर्स्ट कॉल को कंपनी ने ड्यू किया हम मान लेते हैं 30 जून 2019 को पैसा कंपनी ने ड्यू किया, और इसको रिसीव करने की जो लास्ट डेट है वो कंपनी ने फिक्स की 15 जुलाई 2019। कंपनी ने 15 जुलाई 2019 इस पैसे को प्राप्त करने की लास्ट डेट फिक्स कर दी। अब हम एग्जांपल समझते हैं इसको कि मान लो एरियर हुआ, और एरियर किसका हुआ, अलॉटमेंट का एरियर हुआ। किसका एरियर हुआ, अलॉटमेंट का। तो देखो अलॉटमेंट का एरियर हुआ, अलॉटमेंट के ड्यू कब हुई, 1 अप्रैल को, लेकिन अलॉटमेंट के पैसे को प्राप्त करने की लास्ट डेट कितनी थी, 20 अप्रैल। अलॉटमेंट के पैसे को प्राप्त करने की लास्ट डेट कितनी थी, 20 अप्रैल। इसका मतलब चाहे वो 1 अप्रैल को ड्यू हो गया बट 20 अप्रैल तक तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, 20 अप्रैल तक तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर इंटरेस्ट स्टार्ट होगा तो कब होगा, 20 अप्रैल के बाद होगा। कब होगा, 20 अप्रैल के बाद। तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट होगा कहां से, 20 अप्रैल से, कहां से, 20 अप्रैल से, ठीक है। और अब इंटरेस्ट कब तक का लगाया जाएगा, तो ये इंटरेस्ट, ये पैसा एरियर पर हम बात कर रहे हैं, एरियर का पैसा बताया रह गया, कब तक का इंटरेस्ट लगाएंगे, जब तक वो पैसा हमको मिल नहीं जाता। मिलता कब है, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि एरियर का जो पैसा अलॉटमेंट का जो बकाया रहा था वो फर्स्ट कॉल के साथ आपको मिलता है, तो फर्स्ट कॉल को प्राप्त करने की डेट कितनी है, तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की डेट है हमारी 15 जुलाई 2019। 15 जुलाई 2019 इसको प्राप्त करने की लास्ट डेट है, यानी कि अलॉटमेंट का जो पैसा बकाया रहा था उसका इंटरेस्ट आपका यहां से स्टार्ट होगा, और कब तक, जब वो पैसा आपको वास्तव में मिल जाएगा। तो मिल जाएगा कब, यहां पर फर्स्ट कॉल के साथ में रिसीव करने की डेट, यानी जिस दिन प्राप्त होना चाहिए था उस दिन से लेकर और जिस दिन वास्तव में प्राप्त हो जाता है उस दिन तक का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस्ट एरियर पर जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट रिसीव की डेट से लेकर के और रिसीव की डेट तक आपका लगाया जाता है। समझ में आ गई बात, ये भी आपकी रिसीव की डेट है और ये भी आपकी रिसीव की डेट है। तो जो रिसीवेबल डेट थी, जहां प्राप्त होना चाहिए था
वहां से लेकर के और जहां वास्तव में प्राप्त होता है वहां तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, यानी पिछली कॉल को रिसीव करने की लास्ट डेट से लेकर और अगली जो कॉल है जिसके साथ में आपको एरियर मिला है उसको रिसीव करने की लास्ट डेट तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है रिसीव से रिसीव, बाकी कंसेप्ट के तरीके से मैंने आपको पूरा समझाया है। अब हम बात करें एडवांस को लेकर कि एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट की रेट किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो एडवांस का मतलब होता है कि कंपनी ने पैसा अभी तक मांगा ही नहीं लेकिन शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया। जैसा मैं एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, इसी को लेते हैं, डेट हमारी यही रह जाती है कि मान लेते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा था, कौन सा पैसा था, फर्स्ट कॉल का पैसा था और इस फर्स्ट कॉल के पैसे को शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। किस पैसे को, फर्स्ट कॉल का जो पैसा था, फर्स्ट कॉल के पैसे को शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। तो ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा है ये आपको मिला होगा तो कब मिला होगा, जब आपको अलॉटमेंट मिली होगी और अलॉटमेंट को मिलने की लास्ट डेट क्या है, तो वो है हमारी 20 अप्रैल। कितनी है, 20 अप्रैल, यानी कि एडवांस वाला पैसा आपको कब मिल गया होगा, 20 अप्रैल को मिल गया होगा। ठीक है, बट वो वास्तव में आपको कब प्राप्त होना चाहिए था, तो बेटा वास्तव में हमको वो प्राप्त होना चाहिए था जब वो ड्यू हो गया उसके बाद में। तो ड्यू कब हुआ वो, तो फर्स्ट कॉल का पैसा हमारे ड्यू कब हुआ है, 30 अप्रैल को। कब हुआ है फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू आपका, 30 अप्रैल को, ये सॉरी 30 जून को, 30 जून 2019 को आपका ये पैसा ड्यू हुआ है। ये पिछली कॉल को रिसीव करने की डेट थी और ये अगली कॉल पर ड्यू होने की डेट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडवांस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो इंटरेस्ट रिसीव की डेट से लेकर के और ड्यू की डेट तक का कैलकुलेट किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर यहां से हमको पैसा मिल गया तो हमने यहां से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया, बट हमने वो इंटरेस्ट यहां तक ही कैलकुलेट किया, यहां तक क्यों नहीं किया। तो बेटा ये जो टाइम पीरियड है 30 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का, ये कंपनी ने उन शेयर होल्डरों को टाइम दिया है कि आप इन 16 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर पेमेंट कीजिए। अब पेमेंट शेयर होल्डर 1 जुलाई को भी कर सकते हैं, 2 जुलाई को भी कर सकते हैं, 15 जुलाई तक कर सकते हैं, 15 जुलाई तक लास्ट डेट है उसकी। तो हम ये मानेंगे जिस दिन डी हो गया उस दिन तक का इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल याद रखना है आपको, एरियर पर जो इंटरेस्ट होगा वो रिसीव से लेकर रिसीव तक की डेट, यानी जिस दिन प्राप्त हो जाना चाहिए था उस दिन से लेकर और जिस दिन वास्तव में प्राप्त होता है उस दिन तक का। और एडवांस पर हम बात करें तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमारा रिसीव की डेट से लेकर ड्यू की डेट तक का, मतलब जिस दिन हमको मिल गया उस दिन से लेकर और जिस दिन वो ड्यू होता है उस दिन तक के लिए। समझ में आ गई बात सबके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये कंफ्यूजन दूर रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं यहां पर जो क्वेश्चन है आपका उसको शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड पर रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है मेरे पास, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 193 पर इलस्ट्रेशन जो हमारा है 6, 6 उदाहरण जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, इसने बोला के एस लिमिटेड ने, कौन सा लिमिटेड है, के एस लिमिटेड ने, के एस लिमिटेड ने 15 अप्रैल 2016 को, कब, 15 अप्रैल 2016 को 100 रुपए वाले, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले 15,000 संतांश 25 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए, यानी कि इशू की डेट कितनी है, 15 अप्रैल 2016, ठीक है। और टोटल शेयर कितने हैं, 1.5 लाख शेयर्स हैं, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले,
जिनको जो कंपनी ने इशू किया है, तो वो इशू कैसे किया है, कंपनी ने इशू किया है एट 20 रुपीज प्रीमियम, मतलब 100 रुपए वाला शेयर है, 25 रुपए के प्रीमियम पर कंपनी ने उसको इशू किया है। अमाउंट किस प्रकार से पेबल है, तो बताया गया है कि आवेदन पर 50 रुपए है, एप्लीकेशन पर कितने रुपए है, ऑन एप्लीकेशन 50 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 50 रुपए है, ऑन अलॉटमेंट यहां भी 50 रुपए है, लेकिन आपको ब्रैकेट में एक बात बोली है उसने, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी इसमें प्रीमियम आपका शामिल है, ठीक है, और तथा प्रथम एवं अंतिम मांग पर 25 रुपए, यानी कि ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां कितने है आपके 25 रुपए, ठीक है। आगे इसने बोला कंपनी के पास 140,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने अंशों के लिए, 140,000, यानी टोटल एप्लीकेशन जो आई थी, तो टोटल एप्लीकेशन कितने अंशों के लिए आई, 140,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। 1 जून 2016 को संचालकों ने सभी आवेदकों को पूर्ण आवंटन कर दिया, यानी अलॉटमेंट कब किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट जो हुआ है वो कंपनी ने 1 जून 2016 को अलॉटमेंट किया है, समझ में आ गई बात। और आगे बोला कि अलॉटमेंट की राशि के भुगतान की अंतिम तिथि कितनी है, 30 जून 2016, यानी अलॉटमेंट को प्राप्त करने की लास्ट डेट कितनी है आपकी, 30 जून 2016। आगे देखिए, आगे इसने बोला है कि प्रथम एवं अंतिम मांग की तिथि 1 अक्टूबर 2016 थी, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू की गई है वो 1 अक्टूबर 2016 को ड्यू की गई है, जिसका भुगतान 20 अक्टूबर 2016 को होना चाहिए था, यानी इसका पेमेंट कब होना है, 20 अक्टूबर 2016 को इसकी डेट कंपनी ने फिक्स की है। आगे बोला है कि निम्न के अतिरिक्त समस्त राशियां देय तिथि पर प्राप्त हो गई, एक तो बंदा था कौन, महेश के पास में कितने शेयर बताए गए हैं, महेश के पास बताए गए 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, उसने आवंटन राशि का समय पर भुगतान नहीं किया, किंतु आवंटन राशि उसने प्रथम मांग के साथ पे कर दी, ठीक है। और दूसरा कौन है, दूसरा है हमारा रमा के पास में 800 शेयर है, कितने शेयर हैं, 800 शेयर है, और रमा ने प्रथम मांग राशि आवंटन के साथ ही दे दी, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए और ब्याज का भुगतान एवं वसूली सारणी एफ के अनुसार करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको एक एक बात बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में इसको वापस से रिपीट कर देता हूं। इसने बोला कि केएस लिमिटेड है, उस केएस लिमिटेड ने 15 अप्रैल 2016 को 1.5 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 25 रुपए के प्रीमियम पर इशू किए, एक शेयर 100 रुपए का है, 25 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया, तो यानी कि इशू प्राइस कितना हो गया, इशू प्राइस हो गया आपका 125 रुपए, ठीक है। और इसने बोला कि एप्लीकेशन पर कितने रुपए दिए जाने हैं, तो एप्लीकेशन पर दिए जाने हैं आपके 50 रुपए, अलॉटमेंट पर कितने दिए जाने हैं, अलॉटमेंट पर भी कितने हैं 50, और इस 50 में प्रीमियम भी शामिल है, इसका मतलब प्रीमियम कितना था हमारा 25 रुपए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस 50 रुपए में 25 रुपए प्रीमियम के हैं और 25 रुपए फेस वैल्यू के हैं, यानी कि कैपिटल के हैं, ठीक है, और बाकी 25 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, ठीक है। अलॉटमेंट की बात है, शेयर कंपनी ने अलॉट किए 1 जून को, यानी अलॉटमेंट किस दिन भी हो गया 1 जून को, और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने की लास्ट डेट कितनी फिक्स की गई, 30 जून। फर्स्ट कॉल कंपनी ने ड्यू करी तब 1 अक्टूबर को, और फर्स्ट कॉल को प्राप्त करने की लास्ट डेट कितनी फिक्स की, 20 अक्टूबर को। टोटल एप्लीकेशन जो आई थी वो 1,40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए आई थी, तो पहली बात तो ये केस कौन सा हुआ, तो बेटा ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन,
तो ये कंपनी इशू करना चाहती है 1.5 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आए केवल 1,40,000 के। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें कोई एनालिटिकल टेबल नहीं बनानी है और सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो टोटल एप्लीकेशन जितने शेयर्स के लिए आए उसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होगी। अब आगे बताया कि भाई सभी जितने भी एप्लीकेंट्स थे उन्होंने सभी कॉल मनी का टाइम पर पेमेंट कर दिया, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कुछ गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की? तो एक तो महेश नाम का बंदा था, महेश नाम के बंदे के पास में 1000 यानी कि 1000 इक्विटी शेयर्स थे और उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का जो पैसा था वो उसने बाद में जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो फर्स्ट कॉल के साथ में पे किया। तो इसका मतलब महेश के लिए 1000 शेयर ऊपर के रह गया, अलॉटमेंट का पैसा बकाया रह गया, यानी कॉल से ना एरियर आ गया। ठीक है, दूसरा कौन है? रमा है। रमा के पास में 800 शेयर है और रमा ने क्या किया कि जो ये फर्स्ट कॉल के 25 रुपए थे ये अलॉटमेंट के 50 रुपए के साथ ही पे कर दिए। मतलब रमा ने 50 रुपए तो अलॉटमेंट के दिए और हाथों हाथ 25 रुपए फर्स्ट कॉल के भी दे दिए। इसका मतलब रमा ने पैसा हमको एडवांस दे दिया, तो यहाँ क्या हुआ? कॉल से ना एडवांस हुआ। ठीक है, अब हम इस पूरे क्वेश्चन को लेकर के एंट्रीज करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बेटा क्या क्या एंट्री बनेगी हमारी, डेट सहित मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, लॉजिकली समझना। देखो सबसे पहले कंपनी ने 15 अप्रैल को शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन मांगी, तो कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगा। तो एप्लीकेशन मनी कब प्राप्त होगा? 15 अप्रैल को प्राप्त होगा। कब? 15 अप्रैल को 2016, और ये हो गया हमारा 15 अप्रैल। पैसा प्राप्त होगा तो आप पहले पैसे को प्राप्त करने की एंट्री करोगे, तो एप्लीकेशन मनी को प्राप्त करने की एंट्री हमारी बनती है बैंक अकाउंट DR प्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट? यही एंट्री बनती है हमारी। अमाउंट कितना आएगा सर? तो बेटा अमाउंट देखो एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांग रही है कंपनी? 50 रुपए, और टोटल एप्लीकेशन जो आई थी वो 1.5 लाख नहीं बल्कि 1,40,000 अंशों के लिए आई थी। 1,40,000 अंशों पर 50 रुपए के भाव से हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट, 1,40,000 शेयर्स पर 50 रुपए के भाव से। तो ये आपकी 000, ये आपकी 00, और ये आ गया हमारा 70 लाख, 70 लाख रुपए कंपनी को यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे एप्लीकेशन मनी। ठीक है, डायरेक्शन लिख देंगे हम इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर शेयर। शॉर्ट में लिख सकते हो आप बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद में हम जो अगली एंट्री बनाते हैं तो वो बनाते हैं किसकी? ड्यू की। अब यहां पर आपको थोड़ी सी बात समझनी है क्योंकि ये डेट का मामला है। एप्लीकेशन रिसीव जो होगी तो रिसीव तो 15 अप्रैल को होगी, लेकिन एप्लीकेशन को ड्यू कब करना है इसके बारे में आपको क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दे रखी और डेट दी भी नहीं जाती है। हमको ये समझना है कि एप्लीकेशन ड्यू कब होती है। तो बेटा ड्यू का मतलब होता है कैपिटल बनाना, और कैपिटल तब बनती है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर देती है। और शेयर अलॉट कब करती है? तो जिस दिन शेयर अलॉटमेंट जो कॉल मनी है वो अलॉटमेंट ड्यू होता है उसी दिन शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू करने की डेट कितनी बताई गई है? 1 जून। कहा भी है क्वेश्चन में कि एप्लीकेंट्स को 1 जून 2016 को शेयर अलॉट कर दिए गए, तो अलॉटमेंट ड्यू कब हुआ? 1 जून को। एप्लीकेशन भी ड्यू कब होगी? 1 जून को ही होगी। तो यहाँ आप एप्लीकेशन को ड्यू करने की एंट्री करोगे June 1 को। एप्लीकेशन को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? ये आपकी एंट्री बन जानी है। अमाउंट कितना आएगा? तो वही एप्लीकेशन 50 रुपए के भाव से 1,40,000 शेयर्स पर 70 लाख रुपए आपका ये अमाउंट आ जाना है। आगे बात समझ में, नरेशन लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री आपकी हो गई, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं किसकी? अलॉटमेंट की। तो पहले हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू, और अलॉटमेंट को ड्यू की डेट कितनी है? 1 जून
तो ये एंट्री हमारी कब होगी, फर्स्ट ऑफ जून को ही होगी। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात, ये हमारी नॉर्मल एंट्री बनती है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि एप्लीकेशन ड्यू और अलॉटमेंट ड्यू दोनों की एंट्री सेम डेट को होती है। दूसरी बात, अब यहाँ एप्लीकेशन पर पैसा ड्यू करेंगे, हमारी नॉर्मल एंट्री बनती है जिस कॉल को ड्यू कर रहे हो कॉल डीआर टू कैपिटल, अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हो तो अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे ड्यू कर रहे हो तो आपने बताया अलॉटमेंट पर हम कितने पैसे ड्यू कर रहे हैं, 50 रुपए। लेकिन 50 रुपए में 25 रुपए हमारे प्रीमियम के और है, इसके और है प्रीमियम की। इसका मतलब इस 50 रुपए में जो प्रीमियम शामिल है उसमें 25 रुपए तो प्रीमियम के हैं और 25 रुपए किसके, कैपिटल के। यानी कि ये जो कैपिटल है ये कैपिटल तो आपके 25 रुपए के भाव से है और 25 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के हैं। तो हमको जब प्रीमियम प्राप्त होना होता है तो जो प्रीमियम को ड्यू करने की एंट्री बनाते हैं तो उसमें हम प्रीमियम को क्या करेंगे, सीआर करेंगे, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, फायदा है, कंपनी को प्रीमियम प्राप्त हो रहा है। तो हमारी एंट्री हम लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आगे बात समझ में, और 25 रुपए इसमें हमारे प्रीमियम के आ जाने हैं। एक शेयर पर 25 रुपए की कैपिटल है और एक शेयर पर 25 रुपए का प्रीमियम है। 140,000 आपके टोटल शेयर्स हैं, 140,000 शेयर्स पर 25 रुपए के भाव से 35,00,000 रुपए तो आपके किसके हो जाएंगे, कैपिटल के, और 35,00,000 रुपए ही किसके हो जाएंगे आपके, सिक्योरिटी प्रीमियम के। और दोनों मिलाकर के 50 रुपए के भाव से 70,00,000 रुपए आपका टोटल अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वो 140,000 शेयर्स पर 50 रुपए के भाव से। आगे बात समझ में आपके सबके, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, रिलेशन लिख देंगे लिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद अब अगली जो कॉल हमारी आती है तो वो कौन सी आती है, तो वो अगली कॉल आएगी हमारी अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो जब आप अलॉटमेंट को रिसीव करोगे तो हमारी एंट्री बनेगी, तो देखो अलॉटमेंट को रिसीव करने की लास्ट डेट कितनी बताई गई है, 30 जून। तो हम जो एंट्री करेंगे वो लास्ट डेट को ही करेंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी जून 30 को। 30 जून को आपने ये एंट्री बनानी है अलॉटमेंट को रिसीव करने की। और अलॉटमेंट को रिसीव करने के बाद सिंपल एंट्री बनती है क्या, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने अमाउंट टोटल ड्यू किया था कितना, 70,00,000 रुपए। कितना ड्यू किया था टोटल, 70,00,000 रुपए। लेकिन यहां अब हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, इस बात को आपको ध्यान समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो महेश नाम का बंदा था, इस महेश नाम के बंदे ने 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी पे करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इसका मतलब महेश के जो 1,000 शेयर्स है इन पर आपको अलॉटमेंट मनी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। एक शेयर पर अलॉटमेंट मनी कितना है, 50 रुपए, तो 1,000 शेयर्स पर कितना हो गया, 50,000 रुपए। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा इधर, आपने टोटल ड्यू किया था कितना, 70,00,000 रुपए किया था, नहीं किया था। उसमें से महेश के जो शेयर्स हैं, महेश के 1,000 शेयर्स पर 50 रुपए के भाव से 50,000 रुपए आपको प्राप्त नहीं होंगे महेश के शेयर्स पर, ठीक है। तो फिर आपको कितने मिलेंगे, तो यहां आपको मिलेंगे 69,50,000 रुपए। ये तो मिलने ही है हमको, ये 69,50,000 रुपए किसके हैं, अलॉटमेंट के, किसके बेटा, ये फॉर अलॉटमेंट। आगे बात समझ में, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रमा है, रमा ने क्या किया, रमा ने तो फर्स्ट कॉल जो अभी तक हमने ड्यू नहीं की उसका पैसा भी किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। हम ये अलॉटमेंट को प्राप्त करने की ही एंट्री कर रहे हैं तो अलॉटमेंट के साथ ही आपको फर्स्ट कॉल का पैसा भी रमा के शेयर्स पर मिल गया। रमा के पास कितने शेयर्स हैं, 800, और फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे मांग रहे हैं, 25 रुपए। तो 800 शेयर्स पर 25 रुपए के भाव से आपको एडवांस भी मिलेगा,
मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर लें एक तरीके से, जोड़ लें इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट 800 शेयर्स पर 25 रुपए के भाव से हम निकालेंगे, तो 25 × 8 = 200 यानी कि 20,000 रुपए। कितना हो गया? 20,000 रुपए ये आपको एडवांस मिल जाएगा रमा वाले शेयर्स पर। किसके शेयर्स पर है ये? रमा के शेयर्स पर। टोटल कितना पैसा मिलेगा? 69,70,000 ये आपको टोटल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए इसकी एंट्री समझाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो टोटल पैसा कितना मिला आपको? 69,70,000 रुपए। कितना मिला? 69,70,000 रुपए। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DRM 69,70,000 रुपए, राइट, बैंक में मिल गया आपको पैसा। अल्टो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए कितना मिला? तो अलॉटमेंट के लिए आपको मिला है 69,50,000 रुपए, क्योंकि टोटल ड्यू हुए थे 70,00,000, उनमें से 50,000 आपको नहीं मिल पाए, तो मिले कितने? 69,50,000 रुपए। तो यहाँ आपने लिख दिया 69,50,000 रुपए। तो फिर ये डिफरेंस आया कितने का? 20,000 का। ये 20,000 किसके लिए मिले आपको? ये 20,000 हमको रमा वाले शेयर्स पर एडवांस मिला, और एडवांस कि जो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट DR टू कॉलसिन एडवांस, तो बैंक अकाउंट DR तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम टू कॉलसिन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका अमाउंट कितना? 20,000 रुपए। इस तरीके से हमने ये एंट्री बना दी। आगे बात समझ में आपके सबके, ये अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री बनाई, जिसमें जो पैसा अलॉटमेंट का बाकी रहा था उसको हमने लेस कर दिया, बाकी जो मिला उससे अलॉटमेंट में लिख दिया अमाउंट, ठीक है, और जो पैसा आपको एडवांस मिला तो वो बैंक अकाउंट में DR कर लिया और टू परसेंट एडवांस कर लिया। ठीक है, यहां मैंने जो ये एंट्री बनाई थी, तो इस एंट्री में मैंने एडवांस का तो अकाउंट ओपन किया है, बट एरियर का कोई अकाउंट ओपन मैंने यहां पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो एरियर का अकाउंट ओपन करें और चाहे तो ना करें, ठीक है, तो मैंने यहां पर नहीं किया। यदि मैं यहां पर कॉलसिन एरियर का अकाउंट भी ओपन करता तो मेरी एंट्री क्या बनती, तो उस बात को भी समझिए। देखिए अगर मैं एरियर का अकाउंट ओपन करता हूं तो कॉलसिन एरियर की एंट्री क्या होती है? कॉलसिन एरियर अकाउंट DR और टू जिस कॉल पर पैसा बाकी है वो कॉल कर देते हैं हम CR। तो अगर मैं एरियर अकाउंट ओपन करके एंट्री बनाऊं तो इस एंट्री में क्या चेंज आएगा? तो देखो एंट्री बनेगी जितना पैसा आपको मिल गया उससे तो कर देंगे हम बैंक अकाउंट DR, तो टोटल मिला 69,70,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट DR 69,70,000 रुपए हो गया। एरियर का अकाउंट ओपन करना है, एरियर करते हैं हम DR, तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, अकाउंट को भी क्या कर दो DR, कितना एरियर रहा? तो आपका एरियर कितना रहा? 50,000 रुपए, तो ये 50,000 रुपए आपने क्या कर दिए? DR कर दिए, ठीक है। और टू किस किस का पैसा मिला? तो अलॉटमेंट का मिला और कॉस्ट एडवांस का मिला, तो मैं लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्सिन एडवांस अकाउंट। आगे बात समझ में, एडवांस में कितने मिले आपको? वही 20,000 रुपए, लेकिन अलॉटमेंट में कितना आएगा? तो बेटा अब अलॉटमेंट में आपके पूरे कितने आ जाएंगे? 70,00,000 रुपए। कितने आएंगे? 70,00,000। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहां पर एरियर का अकाउंट DR नहीं किया था तो उस कंडीशन में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो अकाउंट था उसमें अमाउंट कितना आ रहा था? जो हमको मिला था वही आ रहा था, लेकिन जब मैंने ऊपर DR में 50,000 रुपए लिख दिए तो मुझे नीचे CR में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो किसमें लिखूंगा? मैं अलॉटमेंट में लिखूंगा, तो ये लिख दिया मैंने टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और केवल मैंने क्या किया? अमाउंट को चेंज किया। क्या किया? यहाँ अमाउंट 70,50,000 है और यहाँ 70,00,000 रुपए हमने पूरे कर दिए, क्योंकि डेबिट में 50,000 बढ़ाया तो क्रेडिट में भी हमको 50,000 बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एरियर अकाउंट ओपन करें तो ये एंट्री, नहीं करें तो ये एंट्री। बाकी एग्जाम में हमको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपको ये वाला एडजस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते अमाउंट किस तरीके से हमको लिखना है। सिंपल में हम एंट्री कर सकते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों एंट्री आपको समझा दी। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अगली कॉल जो आपकी आती है
तो वो कौन सी आती है? तो बेटा अगली कॉल आपकी आती है फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल को लेकर के आपको एंट्री बनानी है। तो देखिए फर्स्ट कॉल को सबसे पहले क्या करेंगे हम? ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे हम? ड्यू। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री कब बनेगी? तो यहाँ बताया गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2016 को। तो अक्टूबर 1st 2016 को हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? तो सिंपल सी एंट्री है हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यह आपकी एंट्री बनेगी। अमाउंट कितना आएगा सर? तो बेटा फर्स्ट कॉल में 25 रुपए के भाव से पूरे के पूरे 1,40,000 रुपए पर हम ड्यू करेंगे। तो 1,40,000 पर 25 रुपए के भाव से आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 35 लाख रुपीज, 35 लाख रुपए। कैसे आए आपके ये 1,40,000 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से? ठीक है, ये हमारी 1 अक्टूबर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री बन जाती है। अब देखिए हमको इस क्वेश्चन में कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस पर जो इंटरेस्ट है उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा, उसके लिए भी हमको एंट्री बनानी होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एरियर पर जो इंटरेस्ट है वो रिसीव से लेकर रिसीव तक की डेट का होता है। तो अभी जब हमारा एरियर रहा था महेश का, तो महेश का एरियर जब हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे तब तक का होगा, वो तो हमने अभी किया नहीं, तो एरियर की बात हमारी क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन एडवांस पर जो इंटरेस्ट का मामला है, तो एडवांस पर इंटरेस्ट है रिसीव से लेकर ड्यू तक का। अब रिसीव की डेट तो पहले जा चुकी, जो हमें एडवांस रिसीव कर चुके 30 जून को, बट ड्यू का हुआ है पैसा, तो ये एडवांस वाला पैसा ड्यू होगा 1 अक्टूबर को। तो ये एडवांस पर जो इंटरेस्ट हमारा लगेगा, एडवांस पर जो इंटरेस्ट हमारा लगेगा, तो वो इंटरेस्ट मैं यहां कैलकुलेशन कर लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा रिसीव की जो डेट है उस डेट से लेकर और ड्यू तक की डेट का लगेगा। एडवांस आपका रिसीव कब हुआ था? 30 जून को, तो ये 30 जून से लेकर के, और जो फर्स्ट कॉल वाला है तो फर्स्ट कॉल वाला एडवांस ड्यू कब हो रहा? फर्स्ट कॉल के साथ में, यानी कि अक्टूबर 1st को। तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर वो 30 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक का हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं हम, एडवांस अमाउंट कितना था आपका? 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए का आपका अमाउंट है। एडवांस पर इंटरेस्ट की रेट भी क्या होती है? एडवांस होती है, यानी कि 12% पर एनम। कितने टाइम पीरियड का कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ हम कैलकुलेट करें 30 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक का। तो जून तो हो गया हमारा खत्म, जून के बाद में जुलाई का पूरा महीना, जुलाई के बाद में अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर हमारा अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो अक्टूबर को तो शुरू हुआ है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, और जून खत्म हो चुका है इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने, तो यहाँ हम इंटरेस्ट निकालेंगे 3 मंथ का, 3/12 कर देंगे हम इसको, और सॉल्व करें तो ये 12 से 12 कट जाता है, 0000 और 200 3 600, 600 रुपए हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट क्या करती है? पे करती है, तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर ही क्या कर देंगे? पे कर देंगे। अक्टूबर 1st को हम इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर और 2 बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? तो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, कितने रुपए आ जाएंगे? 600 रुपए। आधी बात समझ में, यहां तक की बात हो गई। अभी तक हमने अलॉट फर्स्ट कॉल को ड्यू किया है 1 अक्टूबर को, उसके बाद में अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की अगली डेट क्या है हमारी? 20 अक्टूबर। तो अब हम फर्स्ट कॉल को प्राप्त करेंगे, कब प्राप्त करेंगे? 20 अक्टूबर को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हमको इसके लिए एंट्री बनानी होगी। तो देखिए 20 अक्टूबर को हमारी कौन कौन सी एंट्री बनेगी, ध्यान दीजिएगा इधर और समझिए। फर्स्ट कॉल को जब हम रिसीव करेंगे 20 अक्टूबर, अक्टूबर 20 को आपको एंट्री बनानी है फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की।
तो फर्स्ट फूड को रिसीव करने की सिंपल एंट्री हमारी बनती है बैंक अकाउंट डीआर और टू कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन सॉरी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी नॉर्मली फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री बनती है। फर्स्ट कॉल को रिसीव करना है तो जरा कैलकुलेशन के ऊपर फोकस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट कॉल पर आपने टोटल ड्यू कितना किया है 35 लाख रुपए, यानी यहां आपने टोटल ड्यू कितना किया 35 लाख रुपए। इस 35 लाख रुपए में से 20,000 रुपए तो आपको रमा ने अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस दे दिया था, तो अब ये 20,000 रुपए आपको अब नहीं मिलने क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। तो हम लेस कर देंगे इसमें से कितना अमाउंट 20,000। तो अब कितना पैसा मिलेगा आपको 34,80,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। या आपका एडवांस आपको पहले मिल चुका है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट कहा होगा यही करेंगे। तो देखिए जब हमको मिला था तो हमने कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था सीआर किया था। क्या किया था सीआर। अब जब हम उसको एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करते टाइम इसको क्या कर देंगे हम डीआर कर देंगे। क्या कर देंगे इसको हम डीआर। तो यहां पर हमारा बैंक अकाउंट तो डीआर हो ही रहा है, बैंक अकाउंट तो डीआर आपका है ही है, और साथ ही हम किसको डीआर कर देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर। कॉल्स इन एडवांस कितना था 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए से आपने एंट्री कर ली। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा पैसा आपको वसूल हो चुका है क्योंकि 35 लाख रुपए टोटल ड्यू हुए उनमें से 20,000 रुपए आपको नगद पहले मिल चुके और 34,80,000 रुपए आपको अब मिल जाने हैं। तो अब मिल गए 34,80,000 रुपीज। ठीक है, और टोटल मिलाकर कितना हो गया पूरा 35 लाख रुपए का आपका हिसाब हो जाता है। ये तो फर्स्ट कॉल की बात हुई। लेकिन एक बात और, महेश नाम का जो बंदा था, महेश ने अपने 1,000 शेयर्स पर 50 रुपए के भाव से अलॉटमेंट मनी 50,000 रुपए नहीं की थी। वो पैसा उसने कब दिया, वो पैसा बेटा उसने फर्स्ट कॉल के साथ दिया। तो फर्स्ट कॉल के जो 34,80,000 रुपए आपको मिले थे इन्हीं के साथ साथ जो कॉल एरियर था आपका महेश वाले शेयर्स पर वो 50,000 रुपए भी आपको मिल गए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर आपको कितना पैसा मिल गया, तो टोटल अगर हम बात करें तो 35,30,000 रुपए आपको मिलते हैं। जबकि हमने एंट्री बैंक अकाउंट डीआर कितना किया 34,80, टोटल कितना मिला 35,30। तो हम अब इस पैसे को जो पहले बताया था वो अब मिल गया। बैंक अकाउंट को डीआर करना है तो उसकी अलग एंट्री करने के बजाय हम इसी में बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को शामिल कर लेंगे। तो जब ये 50,000 रुपए भी हम इस बैंक में शामिल करेंगे तो ये अमाउंट आपका बढ़ करके हो जाएगा 35,30,000 रुपए। कितना हो जाएगा 35,30,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट तो डीआर हो गया, लेकिन एयर को रिसीव करने की मैंने आपको एंट्री बताई थी बैंक अकाउंट डीआर और टू अगर कॉल्स इन एयर का अकाउंट ओपन किया है तो टू कॉल्स इन एयर, नहीं तो जिस कॉल का पैसा बाकी है वो कॉल कर देते हैं हम सीआर। हमने यहां एंट्री में कॉल्स इन एयर का अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फिर कॉल्स इन एयर का अकाउंट यहां सीआर भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जिस कॉल पर यह पैसा बाकी रहा था उस कॉल को कर देंगे हम सीआर। किस कॉल पर बाकी रहा था, अलॉटमेंट पर, तब लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बाकी रहा था 50,000। अब अगर हम टोटल देखें तो डेबिट में भी टोटल 35,50,000 और क्रेडिट में भी टोटल 35,50,000। आगे बात समझने, ये एंट्री हो गई। चलिए अब इसके बाद फर्स्ट कॉल जो गया, अभी भी हमको एक अंतिम एंट्री करना बाकी रह गया। वो लास्ट एंट्री हमारी किसकी बनेगी, तो देखो एडवांस का, एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना था वो पे हो चुका है, एडवांस के एडजस्टमेंट एंट्री हम बना चुके हैं, लेकिन जो एरियर है एरियर को हमने प्राप्त कर लिया तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमको प्राप्त करना है। तो इंटरेस्ट एरियर पे कब से कब तक का लगता है, रिसीव से लेकर के एक्चुअल रिसीव तक। तो देखो एरियर कहां रहा था, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट को रिसीव करने की हमारी डेट क्या थी 30 जून। 30 जून को हमको प्राप्त नहीं हुआ, हमको प्राप्त कब हुआ एरियर 20 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल के साथ में। तो एरियर पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी कैलकुलेशन और एंट्री दोनों समझते हैं। पहले एंट्री देखो एरियर पर एंट्री क्या बनेगी, एरियर पर कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक का बैलेंस
बढ़ता है तो हमारी एंट्री अक्टूबर 20 को ही बनानी है, बैंक अकाउंट डीआर, समझ में आई बात। और टू इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, आगे बात समझ में। अमाउंट कितना आएगा सर, तो देखिए अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, एरियर पर हम जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो रिसीव से लेकर रिसीव तक का निकालते हैं। एरियर हमको रिसीव होना चाहिए था कब, 30 जून को, पर वास्तव में रिसीव कब हुआ आपको वो फर्स्ट कॉल के साथ 20 अक्टूबर को। तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 30 जून से लेकर 20 अक्टूबर तक का लगेगा। कब से कब तक का लगेगा, 30 जून से लेकर के 20 अक्टूबर तक का लगेगा, ठीक है। कितने अमाउंट पर लगेगा, तो ध्यान दीजिए हमारा एरियर का अमाउंट कितना रहा था, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये पर एरियर पर इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, 10%, तो 10/100। कितने टाइम पीरियड का, अब टाइम पीरियड हम काउंट करें तो जून तो हमारा खत्म हो गया, जून के बाद में जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, लेकिन अक्टूबर के पूरे 20 दिन। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 महीने और 20 दिन का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम हमको एक ही टर्म को यूज करना है, या तो आप ईयर यूज करो, या मंथ यूज करो, या वीक यूज करो, या डे यूज करो। अब यहां पर हमारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है कितनी, 3 माह और 20 दिन। अब ये दो टर्म हमारे सामने आ गई, तो हम ना तो मंथ में कैलकुलेट कर सकते ना डेज में, तो हमको इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। तो किसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा याद रखना हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी महीनों को दिनों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें जो महीने हमारे उसके अकॉर्डिंग डेज काउंट करते हैं। देखिए 30 जून निकल चुका, 30 जून के बाद में जुलाई आता है, जुलाई में कितने दिन होते हैं हमारे, 31। जुलाई के बाद में अगस्त आता है, अगस्त में भी कितने होते हैं, 31। अगस्त के बाद में सितंबर आता है, सितंबर में कितने होते हैं, 30। और सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, और अक्टूबर के कितने दिन रहने हैं आपको, 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक केवल 20 दिन, राइट। इस हिसाब से अगर हम काउंट करें तो हमारे टोटल दिन कितने हो जाते हैं, तो ये हमारे 112 दिन, ठीक है, 112 दिन हमारे टोटल हो जाते हैं। तो 112 दिन के हिसाब से हम काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा 112 दिन अपॉन, अब अपॉन में कितना लिखना है, तो जब हमने एडवांस कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट, तो वहां पर हमने अपॉन में 12 लिखा था, क्यों, क्योंकि हम महीनों में काउंट कर रहे थे, लेकिन जब हम दिनों में काउंट करते हैं तो हम ये लिखते हैं 365, 365 दिन। इसके हिसाब से कल करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 1534 रुपये, कितना आ जाएगा, 1534 रुपये, और 1534 से आपकी एंट्री बन जाएगी, आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने पॉलिसी एडवांस और पॉलिसी एरियर दोनों पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज को समझा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल लेंगे और उनमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।